हेलो भाई लोग, स्वागत है आपको फिर से हमारी एक और वीडियो में। तो भाई लोग, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पोकर MP40 का जो ये इंक्यूबेटर है वो हमारे फ्री फायर में चल रहा है और जो कि इसका लास्ट 48 आवर्स बचा है। तो भाई लोग, मैंने सोचा था कि जब 50% ऑफ आएगा तब निकालूंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये ऐसे ही चला जाएगा। तो इससे पहले कि ये जाए मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो भाई लोग, चीपेस्ट प्राइस में कितने कम से कम डायमंड में आपको ये निकल सकता है मैं आपको बताऊँगा और लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा, आप देख लेना और क्या क्या करना है, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो ये वर्क कर रही है, आप देख लेना मेरा कितनी जल्दी ये सब कुछ निकल जाएगा। तो वाले टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जितने रेगुलेशन स्टोन और ब्लू प्रिंट है इन पर चार चार पाँच पाँच बार टैप करना है और पूरा एकदम मार के स्क्रिप्ट कर देना। तो वाले ये देखना कि जैसे यहाँ पे चार चार पाँच, और फिर एक गोल्ड ऑयल में जाना है, गोल्ड ऑयल की स्पिन मारनी है 10 कमर और 1 कमर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर पोकर MP40 मार के एकदम मार के स्किप कर देना है पूरा, आप देख लेना कि जरूर से कुछ ना कुछ जरूर इसमें निकल जाएगा। तो ये ब्लू प्रिंट पर भी मारना, पोकर MP40 पे भी मारना है और जो एब्लेशन स्टोन होते हैं और एकदम स्किप कर देना है। तो भाई लोग देख लो भाई लोग, क्या यार क्या ट्रिक ने काम किया है। और भाई लोग, सबसे पहले जो ना आपको अपना जो फ्री फायर है उसको डिफ़ॉल्ट में डाल देना, और जो ईव करेक्टर है जिसका नाम अभी नुल्ला हो गया है तो भाई लोग उसको इक्विप कर लेना, और उसको पूरा ऐसे नोबड़ा बना देना जैसे कि अभी फ्री फायर हम ओपन करते हैं फर्स्ट एक लेवल का, उसको बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पर कर देना है। और फिर ही उसको एक बार रिसेट करना, क्लियर कैसे पे ओके करना है, उसके बाद ही जाकर हमें स्पिन मारनी है। और बीच बीच में रुक कर जो एबुलेशन स्टोन होते हैं वगैरह और ब्लू प्रिंट होते हैं इन पे भी चार चार पाँच पाँच बार टैप करना है, और एकदम 180 की 40 की तो बिल्कुल माननी नहीं है, एकदम 180 की स्पिन मार के उसको स्किप कर देना है। तो और आप देखोगे ना तो आपको बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो भाई लोग ये देखते हैं, मेरे पास 3 एबुलेशन स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट हो चुका है। तो देखते हैं अभी हमें कितना और डायमंड उड़ाना पड़ेगा। तो भाई लोग, यहाँ पे 2 वेजेस मिल गई हैं मेरे को, जो कि एक बहुत ही जिमकार्डी वाली बात है। तो पहले हम गोल्ड ऑयल में एक बार फिर से मारते हैं, फिर 10 स्पिन मारते हैं, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड ऑयल का काफ़ी दिन रहेगा ये मत सोचना कि ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आके फिर डेड बिल पर भी कुछ टैप करते हैं, फिर ऑक्टन पे, ये मतलब जितने भी इंक्यूबेटर या ये इवेंट चल रहे हैं सब पर टैप कर करके फिर हमें 40 का बिल्कुल नहीं मारना, 180 का मारने हैं और इसको एकदम स्किप कर देना है। सारे ब्लू प्रिंट और जितने एबुलेशन स्टोन है सबके ऊपर टैप 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 करना है, उसके बाद में मारना है। आप देखोगे कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। ये देखो, ऐसा नहीं है कि हर ही बार निकलेगा यार, हर बार नहीं निकलता, वे लोग ये कभी कभी देखो, ये देख रहे हो आप। तो यहाँ पे मेरे पे एक एबुलेशन स्टोन निकल चुका, तो 4 एबुलेशन स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट मेरे पास हो चुका है। तो वे लोग, मेरे को ये वाला निकालना है यार कुछ भी करके। तो चलिए करते हैं, पहले गोल्ड ऑयल पे फिर से दोबारा से। तो गोल्ड ऑयल वाला मैंने काट दिया, ठीक है, स्किप कर दिया उसको, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन एबुलेशन स्टोन और ब्लू प्रिंट का तो हर बार टैप करना है आपको। और ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि जितने भी जो लोग थे जो सोच रहे थे कि 50% ऑफ आएगा, तो भाई लोग यार 50% के चक्कर में ना पड़ो यार, अभी निकाल दो, क्या पता 50% ऑफ भी नहीं आए और जो आपके पास डायमंड है वो भी ख़त्म हो जाए और फिर टॉप ऑफ करने का समय ना मिले। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी निकाल के अलग करो यार, जो भी मैंने ये सुबह सुबह निकाल लिया है 5 बजे के करीब, और जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे को 3 घंटे इस वीडियो को बनाने में लगे, पूरे 2 घंटे तो वीडियो एडिट करने में ही लगे भाई लोग, अब आप समझ सकते हो यार, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि किसी के डायमंड खराब हो। तो भाई लोग, फिर से मेरे यहाँ पे एक ब्लू प्रिंट निकल चुका है, देख रहे हो जैसे कि आप। तो भाई लोग, मेरे पास अभी 5 एबुलेशन स्टोन और 2 ब्लू प्रिंट हो चुके हैं। तुम्हारे भाई को ज़रूरत है सिर्फ 1 2 एबुलेशन स्टोन और 1 ब्लू प्रिंट की। तो भाई लोग देखते हैं ये कितनी देर में निकल जाता है तुम्हारे भाई का। हाँ, तो 1 एबुलेशन स्टोन भाई साहब 6, तो 1 एबुलेशन स्टोन 1 ब्लूप्रिंट की ज़रूरत है। तो भाई लोग यार, ये तो आप बहुत ध्यान रखना कि अगर जब निकालने तो एबुलेशन स्टोन और ब्लूप्रिंट पे कम से कम हर एक स्पिन में 4-4, 5-5 बार टैप 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 करना है, बिल्कुल करना है। और गोल्ड ऑयल में 10 की स्पिन माननी है, और भी बहुत सारे जो ये डायमंड ऑयल, गोल्ड ऑयल, वेपन ऑयल, इंक्यूबेटर, पोकर MP40, पैडेड व्हील, ये जितने भी हैं सबको एक एक बार खोल के ओपन करके जो इनके रेयर आइटम है इन पर टैप 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 करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वीडियो में। और फिर आप स्पिन मारोगे तो पक्का यार आपका निकल जाएगा यार। और भाई, वैसे भी यार ये लक की बात है यार,
आखिर जो किसी का ना भी निकलता है तो भाई लोग यार गाली वाली मत देना, ठीक है? अपने देख के करना जैसे भी आपका मन हो। बस मेरा बस खाली कहने का मतलब ये था कि आप देख लो एग्जांपल मेरी स्क्रीन पे कि जैसे कि मैंने निकाला है वैसे आप निकाल सकते हो। भाई लोग गारंटी तो कोई दे नहीं सकता क्योंकि ये गहना है, ये गहना तो हमेशा डायमंड की भूखी रहती है, ठीक है? ओके भाई लोग, तो ठीक है, ये मेरा एक ब्लू प्रिंट की बाकी है। तो देखो ऐसे टैप 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 करना है यहाँ पे और 180 का मार के स्पिन कर देना है और स्किप कर देना है यार ये साथ। भाई लोग बहुत से यूट्यूबरों ने बोला होगा कि हयाटो लेना या कुछ और लेना, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पता है किसको, ये नुल्ला करेक्टर जो यानी कि जो हमारी पुरानी वाली ईव है इसको बिल्कुल नुबड़ा बना देना है, बिल्कुल सब कुछ डिफॉल्ट पे कर देना है, कोई गन स्किन नहीं लेना है, कोई भी फेस्ट स्किन वगैरह कुछ भी कपड़े लेते हो कुछ भी अच्छा नहीं पहनाना है, बिल्कुल नुबड़ा सा करके गेम डिफॉल्ट में डाल देना है और तब जाके सारे जितने भी इवेंट चल रहे हैं इन पर टैप करना है। उसके बाद में आपको अपने पोकर में जाना है, फिर देखोगे ना तो कुछ निकल जाएगा। ये देखो मेरा एक एवोल्यूशन स्टोन निकल गया। तो इसी तरह से हमें करना है, डायरेक्ट स्पिन नहीं मारनी है कि मारते जाओ लगातार बैक टू बैक, ऐसा नहीं है। गोल्ड ऑयल में भी मारना और ये टैप तो करना ही करना है, हर बार टैप करना है भाई लोग। तो भाई लोग ये जो ये इसके बाद ये मेरा लगभग 100 क्रेट के करीब जो क्रेटें निकली थी, तो मैं इन क्रेटों को भी ओपन करूँगा इसके बाद में। तो भाई लोग वीडियो पर बने रहें, और अगर जो आप वीडियो पर नए हो तो यार प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार, और घंटे वाले आइकन को ऑल पर सेट कर दो भाई लोग, जिससे कि अगली वाली वीडियो का यार नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल जाए। चलो यार ये बहुत रुला रहा है अभी, खाली एक ब्लू प्रिंट की हमें नीड है यार, एक ब्लू प्रिंट आ जा भाई, आ जा यार, आ जा, पता नहीं एक ब्लू प्रिंट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भाई लोग मैं पहले इस पर टैप कर देता हूँ, क्या पता इससे कुछ हिंट मिल जाए, वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं, बस ये खाली ट्रिक कभी काम करती हैं कभी नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है कि है। चार स्किन में आपको पकड़ा, ओ भाई शॉप मिल गया। देख लो भाई लो यार प्लीज़ इस ट्रिक को एक बार ज़रूर आजमाओ अगर जो आप प्रोग्राम पे होटल निकालने वाले हो। इसके बाद पता नहीं ये कितने साल या महीने में आएगी, कुछ कह नहीं सकते। तो भाई लोग तुम्हारे भाई के निकल चुका है 9 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लू प्रिंट। तो अभी सबसे पहले देर ना करते हुए पोकर एंटीबॉडी को निकाल एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सचेंज बटन पे करने वाला हूँ क्लिक। तो भाई लोग अभी हमें परसेंट पोकर एंटीबॉडी मिल चुकी है यार, और भाई साहब देख लो भाई लोग यार क्या मस्त लुक लग रहा है इसका। तो भाई लोग मैं इसका एक गेम प्ले की शॉर्ट वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड की होगी, तो वीडियो बने रहें, शॉर्ट वीडियो जरूर से ही देखें, आपको भी तो पता चलना चाहिए कि ना कि पोकर MP40 का खाली नाम है या काम भी है। तो चलो मैंने इक्विप कर ली है, अभी मैं इसको ये हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ तो भाई लोग वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जो हमें क्रेटें मिली थी देख लेते कितनी क्रेटें, पहले इन क्रेट्स को ओपन कर लेते हैं भाई लोग। तो यार ये मेरे लगभग पता नहीं कितनी 100 के आसपास क्रेटें होंगी, तो भाई लोग यार इनको ओपन कर लेता हूँ, शायद से कोई परमानेंट गन स्किन वैसे तो मिलती नहीं है यार, लेकिन देख लेता हूँ क्या पता मिल जाए। तो ये चिमकांडी वाले कपड़े मिल रहे जो कि पहले से ही मेरे पास हैं। तो भाई लोग ये फार्मर्स की स्किन है यार, ये भी मिल जाए परमानेंट, लेकिन देंगे नहीं यार, मेरा पक्का भरोसा है। तो एक फार्मर्स की और 10 का मारते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया भाई लोग। ये M4A1 का है, ये कपड़े वाले भी मारते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ मिला है लेकिन ये सब पहले से है, M4A1 का मारते हैं यहाँ पे 10 है ना, ये 10 का 10 एक बार मार देते हैं। ओ भाई साहब क्रिएट में परमानेंट निकल गई। ओ भाई लोग, तो भाई लोग यार जैसे कि आप देख रहे हो कि एक M4A1 का स्किन और परमानेंट मेरे को मिल चुका है जो कि मेरे पास पहले से बिल्कुल नहीं था, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो स्किन शॉट ले लेते हैं। तो भाई लोग जो अभी इसको हम इक्विप कर लेते हैं सारी जितनी भी गने हमें मिली। देखो ये नोला करेक्टर है, इसको आपको बिल्कुल ब्लैक कर देना है, बिल्कुल ब्लैक करने के बाद ही स्पिन मारनी है। तो भाई लोग अभी अपना ले लेते हैं केक जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है केक, इसके ऊपर लगा लेते हैं समरे वाला हंड जो सर होता है खोपड़ी होती है ना सिंगो वाली,
तो वो लगा लेता हूँ मैं, उसके बाद में ही जाके कुछ करेंगे। अरे कहाँ गया भाई, कहाँ है? नीचे वाले में होगा, चलो नीचे वाले में टैप करके देखता हूँ। हाँ मिल गया। तो हेलो, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है यार, ये मेरा जो ड्रेस कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा समय आप मुझे इसे पहना हुआ देख सकते हो। या वैसे कोई नया आइटम आता तो एक दो दिन पहन लेता हूँ, नहीं तो मेरा पर्सनल फेवरेट यही हो जाता है। तो भाई लोग गन स्किन को कर लेते हैं इक्विप, जाते हैं आर्मरी सेक्शन में, उसके बाद पहले जाते हैं एम्पोरेमेंट पर। तो भाई लोग देख रहे हो यार इसका लुक क्या लुक लग रहा है। इसके एट्रीब्यूट तो इतने खास नहीं है, एक्यूरेसी डबल है और डैमेज वन है, फिर भी ठीक है। और गन नहीं है मेरे पास तो इसलिए सबसे अभी तो भाई लोग मेरे पास यही है यार। तो भाई लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी और गन है। एक एक भी एक मिली है लेकिन वो साथ परमानेंट से नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक ही का कौन सा मिला। ये बेकार है यार, कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें। तो वे लोग जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास ड्रैगो एक है, तो मैं और कोई सिम करने वाली गनों की ज़रूरत है नहीं। तो वे लोग अभी मेरे को ये अपग्रेड करना बाकी रह गया, जो कि मैं धीरे धीरे कर लूँगा यार, फिर पूरा फुल कर देता हूँ इसको। तो चलो चलते यार SMG वाले सेक्शन में। कहाँ है मेरी पोकर MP40 यार, जिसके लिए तो मैं पहले से ही दीवाना था। देख लेते यार, यार कहाँ जा रहे हो यार भाई लोग। SMG पे SMG SMG कहाँ गई, ये रही SMG SMG पे MP40 MP40 का। ओ भाई लोग देख रहे हो यार लोग में क्या मस्त लगी हुई है। तो इसको सो इन लो भी कर देते हैं। सो इन लो भी करके बैक जाता हूँ मैं, अभी देखता हूँ यार ये कैसी लगेगी। ये भी तो कर लेता हूँ। तो भाई लोग फाइनली लोबी में आ चुके हैं, जो कि हमने गन MP40 क्यूब कर रखी है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ और हल्का सा इसके गेम प्ले की वीडियो दिखाता हूँ यार। तो भाई लोग प्लीज़ वीडियो पर बने रहे हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको सीधे ट्रेनिंग मोड में। भाई यहाँ पे देखना यार, बिल्कुल हेड से नीचे बात ही नहीं करती यार ये गन, हेड से नीचे बात ही नहीं करती है। भाई लोग देखोगे ना यहाँ पे यार तो आप सोख रह जाओगे यार। देखो हेड से नीचे का तो कोई चांस ही नहीं है यार, बिल्कुल चांस नहीं। सीधा हेड लगते हैं, सीधे के सीधे हेड लगते हैं। देख रहे हो गाइस कितने खतरनाक हेड पे हेड लगा रहा है यार, वाह भाई वाह। ये देख रहे हो सारी की सारी गोली यार, एक मतलब फर्स्ट सेकंड गोली तो खैर बॉडी शॉट है, लेकिन पूरा फिर तो लास्ट में हेड शॉट के साथ सारे एनिमी मरते जा रहे हैं। देख रहे हो यार, मेरे को तो बहुत ओपी लगी यार भाई लोग। और बाकी आप कमेंट करके बताना कि यार आपको एक गन निकालना था या किस वजह से नहीं निकाली यार, प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ तो देख रहे हो यार, हेड से मुझे बात ही नहीं है भाई, क्या यार गजब है यार, बिल्कुल गजब है। हेलो, हेडशॉट किंग हो चुकी है यार ये वाली SMG। वो में जो ना जितनी भी SMG हैं तो सारी SMG की हेडशॉट किंग होने वाली है ये वाली गन। तो भाई लोग ये थी यार मेरी अब तक की वीडियो। तो भाई लोग अगर जो यार आप लोग वीडियो पर नए आए हो, मेरे चैनल पर नए आए हो, तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार भाई लोग, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो भाई लोग आपके यार एक सब्सक्राइब करने से तो कुछ जाएगा नहीं यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं तब तक अगली एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।